अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये वाला केक जा रहा है जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अभी ये जो दिन जा रहे हैं ना, आई थिंक इससे बेस्ट केक जो है वो कोई हो ही नहीं सकता, चाहे सरप्राइज़ हो, वेडिंग हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बोर्ड को रेडी करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का फाउंडेंट ले लिया है, उसको पूरे अपना जो बोर्ड है उसके ऊपर अच्छे से कवर कर दिया। देन इसके साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ रहा है उसको मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। ये वाला केक जो रेडी करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा तरीके थे मेरे पास, लेकिन मैंने कोई एक चूज़ किया, उसकी रीज़न भी आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ एंड मेथड भी बताऊँगी कि कौन कौन से मेथड से हम ये वाला केक जो वो बना सकते थे। तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। कस्टमर का मुझे मैसेज आता है कि उन्होंने ऑर्डर करवाना है एंड उन्होंने जो ऑर्डर करवाना है, उन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये वाला ऑर्डर जो था वो रेडी करवाना था। तो अभी आप लोग देख लो, ये मैंने फायर पेपर के ऊपर लिख लिया है, ठीक है, टू माई लव। कस्टमर ने मुझे कहा कि अगर आप इस तरह का एक बिल्कुल परफेक्ट एंड यम्मी सा केक मुझे बनाकर देते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्डर भी मैं आपको देने वाली हूँ। एंड अभी जो है आप मुझसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें प्राइस में भी एंड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ। सो खैर, काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद ये वाला केक जो था वो डिसाइड हुआ एंड प्राइस वगैरह फिक्स हो गई कस्टमर के साथ। अब वो दिन था जबकि मुझे ये वाला केक जो था वो रेडी करके देना था। एंड आप लोग देख लो, अभी मैं कैलेंडर रेडी कर रही हूँ। कैलेंडर बनाने के लिए मैंने स्टैम्प का यूज़ किया था, वही वाली स्टैम्प जो कि ऑलरेडी मैं पहले वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये वाली स्टैम्प, ठीक है। इसको हम लोगों ने स्टैम्प को कैसे यूज़ करना होता है, जस्ट स्टैम्प को हम लोगों ने प्रेस करना होता है फाउंडेंट के ऊपर, इसको प्रेस करके एंड ये देखें, ठीक है, अच्छे से प्रेस करना आप लोगों ने जितना कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा उसको मैं कटिंग कर दूँगी जी। तो वो दिन था जबकि मुझे ये वाला ऑर्डर कस्टमर को रेडी करके देना था। उन्होंने ये जो ऑर्डर था ना वो एनिवर्सरी प्लस बर्थडे, यानी कि दोनों कंबाइन ही थी, जो कि आज ये वाला केक मैं रेडी कर रही हूँ। वैसे आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लगता है कि अगर आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी एंड प्लस बर्थडे एक ही दिन हो तो आप लोगों को कैसा फील होगा? वैसे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हमें दो दो पार्टीज मिलनी होती है वहाँ पे एक पार्टी सेलिब्रेट करनी पड़ती है हमें। तो आप लोग बताएगा, आप लोग किसके हक में है, दोनों कंबाइन या फिर सेपरेट सेपरेट होनी चाहिए? अच्छा, जो केक का बाहर वाली लुक थी ना उस पर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, वो आगे चल के आप लोग को बताती हूँ कि उसका भी मैंने कन्फ्यूजन को किस तरह से सॉल्व किया। अभी आप लोग देख लो, ये कैलेंडर मैं रेडी कर रही हूँ। कैलेंडर रेडी करने के लिए सिंपल वही हम लोगों ने ट्रिक यूज़ किया, इसको स्क्वायर में कटिंग कर लिया एंड सिंपल स्टैम्प का तो आप लोगों ने देखा मैंने यूज़ किया है। अच्छा, अपनी सिस्टर के साथ एक लंबी मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो बाहर आउटर लुक थी केक की, उसको हम लोग फाउंडेंट के साथ बनाएंगे, यानी कि हम लोग फाउंडेंट के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इसको चॉकलेट के साथ भी बना सकते थे एंड और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके थे जिससे हम लोग इसको बना सकते थे, बट फाउंडेंट मुझे लग रहा था एक सबसे इजी वे था इस केक को बनाने के लिए। सो मैं फाउंडेंट के साथ यहाँ पर गई एंड मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि मैंने फाउंडेंट को ही चूज़ किया। अभी आप लोग देख लो, मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के, यानी कि साइज़ कुछ छोटे कुछ बड़े साइज़ के हार्ड कटिंग कर रही हूँ एंड आप लोग देख लो डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास यहाँ पर कटर्स हैं, उसी के हेल्प से मैं कटिंग कर रही हूँ। ढेर सारे हार्ड कटिंग करने के बाद इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं एक सेपरेट प्लेट में या फिर किसी भी बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि इसको यहाँ पे हमें स्पेस भी खाली चाहिए। अभी हम लोग अपने केक की तरफ जाते हैं जो कि मैंने गनाश से कवर करके ऑलरेडी रख दिया है। गनाश की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। और जो ये 1 पाउंड का केक है इसको मैंने 6 इंचज़ के मोल्ड में बनाकर रेडी किया है। अभी आप लोग देख लो, ये वही वाला फायर पेपर है जो कि मैंने अभी आप लोगों को पहले दिखाया कि उसको मैंने रेडी कर लिया था। उसको मैंने इस तरह से रेडी किया था, ठीक है। कोई भी राउंड आप लोग ले लो, कोई भी राउंड चीज़, जो भी प्लेट हो, कुछ भी हो, उससे आप लोगों ने एक राउंड सर्कल लगा लेना है। देन आप लोगों ने उसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। एक बहुत ही मुझे गंदी चीज़ लग रही होती है, बहुत सी मैं वीडियोज़ देख रही होती हूँ, उसमें फायर पेपर जो है ना वो बाहर झांक रहा होता है बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ हम लोगों ने नहीं करनी। एक थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक की साइड पे हम लोगों ने जाना है, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पहले एग्जैक्ट इसका नाप इस तरह से ले लो एंड जितनी भी एक्स्ट्रा इसके साइड्स हैं उसको आप लोग कटिंग कर दो, ठीक है। इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर बैठना चाहिए। अभी आप बारी आती है इसको ट्रांसफ़र करने की बोर्ड पर, जो कि हम लोगों ने बोर्ड रेडी किया था। तो ये आ गया जी कस्टमर के पिक्चर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है प्राइवेसी इशू की वजह से तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाइड कर दिए। तो एक पिक्चर हम लोगों ने लगा दी, उसके ऊपर हम लोगों ने इस तरह से, आप लोग थोड़े से, आप लोगों को ये प्रेफर करूँगी थोड़ा सा आप लोगों ने ना ज़्यादा क्रीम को यूज़ करना है ताकि थोड़ी सी हाइट आ जाए यहाँ पे ना। तो यहाँ पे मैंने सिंपल M1 नोज़ल का यूज़ करते हुए इसको बना लिया। स्ट्रोक से बना लो, कुछ भी बना लो, वो नज़र तो आने वाला नहीं है। इसके ऊपर हम फायर पेपर ही आ जाएगा। अभी बारी आती है इसकी आउटर लुक की, जो हम लोगों ने हार्ड्स कटिंग की है उसको मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। लगने में बहुत ही आसानी से लग जाएगा क्योंकि गनाश है एंड गनाश जो होती है वो स्टिकी होती है, तो इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट उठाओ एंड इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाओ।
तो ये देख लो आप लोग कुछ इस तरह से, ठीक है। कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं। तो ये कुछ इस तरह से साइड से आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करके और इसको लगाते जाना है। ये मैं क्या देख रही हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक कर दो। एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, अभी हमारा चल रहा है वीडियो का एंड पार्ट, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि कुछ इस तरह से जो है हमारा केक जो है वो बाहर से हम लोगों ने इसको सेट करना है। अब बारी आती है बाकी चीज़ों की, जो कि ये हम लोगों ने कैलेंडर बनाया था, इस कैलेंडर को हम लोगों ने साइड पर सेट कर देना है। इसके अलावा दो फ्लावर जो थे वो भी मैंने इसके ऊपर साइड पर रखने हैं। हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना होता है जब हम लोगों ने इस तरह का एक पूरा पैकेज एंड ट्रे बनानी होती है। तो अच्छे से हम लोगों ने एक कैलेंडर भी साइड पे सेट कर दिया। एंड अब आता है फायर पेपर, जो कि ये ठीक है हमारा फायर पेपर आ गया। इसको हम लोगों ने वो क्रीम जो लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से सेट कर देना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये फायर पेपर हमारा आ गया। अगर हम लोगों ने थोड़ी सी डिफरेंट डेकोरेशन हम लोग करते तो उसके ऊपर भी हम लोग एक क्रीम की लेयर लगाते। फायर पेपर के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जाके देख सकते हो। ठीक है, आप लोग चेक करो कि कितना साइज़ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो है ना फायर पेपर एग्जैक्ट सेट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना होता है। फाइनली हमारा केक हो चुका है बिल्कुल रेडी। कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मेरे, आप लोगों को कैसा लगा मुझे लाजमी बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।